हेलो गाइज, आपका हमारे चैनल टेराटिव में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चाइनीज वायरस के बारे में। यह वायरस ऐसा होता है जब आपकी मेमोरी कार्ड में या फिर पेन ड्राइव में आ जाता है तो उसका जो डाटा होता है पूरा करप्ट कर देता है। और फिर जब आप अपने पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड में कोई डाटा डालना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई मूवी इसमें सेंड करना चाहते हैं, तो मूवी सेंड नहीं होगी और जो प्रोसेसिंग वो फेल हो जाएगी। और यदि आप इस कार्ड को या फिर पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहेंगे तो फॉर्मेट भी नहीं होगा। और इस वायरस में आपके जो मेमोरी कार्ड है या फिर पेन ड्राइव में कई प्रकार के फोल्डर बन जाते हैं जिन पर कुछ चाइनीज लैंग्वेज लिखी होती है, या फिर कुछ ऐसी फाइलें बन जाती हैं जिन पर भी कुछ चाइनीज लैंग्वेज लिखी होती है। तो इस कारण हमको बहुत दिक्कत होती है। और फिर फाइनली हमको क्या करना पड़ता है, ज़्यादातर लोगों को अपना जो मेमोरी कार्ड है फेंकना पड़ता है, क्योंकि वह किसी काम का नहीं होता। यदि आप उसे फॉर्मेट कितने भी तरीके से करें, आप फॉर्मेट नहीं कर सकते। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा आप इसे आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं और आप अपने मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव को बिल्कुल करप्ट होने से बचा सकते हैं और इसे सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाता हूँ। यहाँ पर मैं एक ऐसा मेमोरी कार्ड लगाऊंगा जिसमें क्या ये चाइनीज लैंग्वेज वायरस है और यहाँ पर भी इसी प्रकार की फाइल और फोल्डर बन गए हैं। गाइस, मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया। आपको यहाँ 4 GB का मेमोरी कार्ड दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको देखिए कुछ फाइलें दिख रही हैं चाइनीज लैंग्वेज वाली, और यहाँ पर आपको सॉन्ग दिख रहे हैं। यहाँ सब सॉन्ग अब करप्ट हो चुके हैं, यानी मैं प्ले करूँगा नहीं प्ले होंगे। देखिए यहाँ कितने सारे फोल्डर रखे, इन्हें मैं डिलीट करना चाहूँगा तो डिलीट भी नहीं होंगे। देखिए यह वायरस इतना खतरनाक है, इसके चक्कर में लोग अपना कार्ड तक फेंक देते हैं, क्योंकि यह वायरस किसी भी तरीके सही नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको इसके लिए एक धांसू तरीका बताने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको क्या करना है, जैसा मैं बताऊँ वैसे ही करना है। सबसे पहले आप इसके ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ फॉर्मेट लिखा है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देंगे। फाइल सिस्टम पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको देखिए NTFS सिलेक्ट करना है। पहले हमारा था FAT32 डिफॉल्ट, हमने आपको क्या करना है, हमें NTFS सिलेक्ट करना है। फिर आप देखिए क्या होता है। देखिए अब आपको क्या करना है, अब आप स्टार्ट कर दीजिए तो फॉर्मेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब हमने यह प्रोसेस कर ली। इसके बाद यह लिख के आया कि अनेबल टू फॉर्मेट। देखिए यह इसका फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप हो गया जो हमारा अनेबल टू फॉर्मेट लिख के आ गया। अब आप देखेंगे आप अपने जो मेमोरी कार्ड आ रहा था उसकी जगह आपको एक ब्लैंक सा दिख रहा है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा मेमोरी कार्ड शो नहीं कर रहा है। अब आपको यहाँ पर एक काम करना है, अपना मेमोरी कार्ड निकालना है। तो देखिए हमने अपना मेमोरी कार्ड निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है, अपनी मेमोरी कार्ड फिर से लगाना है। तो आपको मेमोरी कार्ड आल के आल नहीं आएगा, आपको थोड़ा रिप्रेस करना है। देखिए मैं यहाँ रिप्रेस करता हूँ, 3-4 बार करना पड़ेगा आपको जब आपको मेमोरी कार्ड दिखेगा। हम अब क्या करेंगे, फिर से फॉर्मेट करेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए फिर से फॉर्मेट करेंगे। देखिए फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे हम। देखिए अब हमने फॉर्मेट पर क्लिक कर दिया। देखिए फिर से करते हैं। देखिए अब आपको इसमें यह करना है, देखिए मैं बताता हूँ। पहले हमने NTFS सिलेक्ट कर रहा था, अब हम NTFS की जगह FAT32 डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे। बस आपको ये करना था, पहले NTFS फिर FAT32 डिफॉल्ट। अब आप देखिए यहाँ पर जो नाम है इसे आप कुछ भी रख सकते हैं, आप ये पूरा नाम कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर जो वॉल्यूम है, यह स्टेप आपको दूसरे स्टेप में ही करना है, पहले में नहीं कर सकते, नाम चेंज तो नहीं आएगा, दूसरे में कर दिया। अब आपको स्टार्ट करना है। अब आप देखिए आपके जो मेमोरी कार्ड है, चार्ज 900 रुपये का ये कैर का, अब वैसे सेव हो चुका है, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनके मोबाइल में वायरस आ जाता है या मेमोरी कार्ड में या पेन ड्राइव में, तो वह इस कारण आपको मेमोरी कार्ड या पेन कार्ड फेंकना ही पड़ता है। लेकिन अब आप इसे आसानी से बचा सकते हैं। अब आप देखिए हमारा जो मेमोरी कार्ड है 4 GB का पूरी तरीके से फॉर्मेट हो चुका है। अब आप इसमें जो भी डाटा डालना चाहते हैं आराम से जाएगा। चलिए इस वीडियो में खत्म करते हैं। आप भी इस ट्रिक का यूज़ करके किसी का मेमोरी कार्ड सही कर सकते हैं।